हाँ जी, तो डायरेक्शन प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे जी। पंजाब का फेवरेट टॉपिक हैगा, पंजाब का कोई भी पेपर हैगा उहदे विच ही आंदा ही आंदा। हुण रीजनिंग है या मैथ्स है, उहदे विच हमेशा मैं यही कहना हुंदा कि आपां नूं कंसेप्ट्स ते वर्क करना चाहिए है। बिना मतलब तो 200 200 300 300 क्वेश्चंस करन दी रिक्वायरमेंट नहीं हुंदी। कंसेप्ट्स नूं चंगी तरह कर लो। इक चैप्टर दे विच ऑन एन एवरेज 5-6 कंसेप्ट्स हुंदे ने। जे तुहानूं उह चंगी तरह आ गए, मैं तो कहना तुम क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दें डायरेक्शन प्रॉब्लम्स दे विच की कंसेप्ट्स तुहानू पता होने चाहिए ने। बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट कर दें। सब तो पहला बेसिक डायरेक्शंस पता होनी चाहिए ने। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ दी हमेशा राइट साइड के उत्ते ईस्ट होंगे। तो ये चीज नु ध्यान रखो, नॉर्थ तो जे आप क्लॉकवाइज जावांगे या कह लो राइट साइड उत्ते हमेशा ईस्ट होएगा ते इत्थे वेस्ट होएगा। तो ये भी चीज हो सकती है, कई बार जिहड़ा हैगा नॉर्थ इत्थे हो सकता है क्वेश्चन दे विच, कई बार इत्थे हो सकता है, कई बार इत्थे हो सकता है। क्वेश्चन दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो हमेशा नॉर्थ दी राइट साइड ते या नॉर्थ तो क्लॉकवाइज जे जावांगे तो ईस्ट आएगा। उस तो बाद बेसिक डायरेक्शन दे विच आंदा जी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ भी कह सकते हो, सिमिलरली वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया बेसिक डायरेक्शन। क्लियर है इतना तक, कोई डाउट तो नहीं? चलो इस तो बाद इधर विच आप अपने टर्न्स लेने सीखने होंगे ने, भी आप अपने टर्न की में लेना। मान लो एक बंदा इधर मूव कर रहा है, हूं इहदा फेस इधर नूं है, जे इन्हें लेफ्ट टर्न लिता तो लेफ्ट टर्न भी इस तरह होगा, तो वो इधर मूव करेगा। हूं इधर जा रहे थोड़ी देर बाद उन्हें राइट टर्न लिता तो वह राइट की होगा इधर होगा। तो अपना नहीं देखना, उस बंदे के अकॉर्डिंग देखना है। तुम जिधर बह के पेपर दे रहे हो वो अकॉर्डिंग नहीं देखोगे, उस बंदे के अकॉर्डिंग देखोगे। तो इधर मूव कर रहे हूं यदा राइट की होगा इधर, हूं जिम्मे नीचे जा रहा है तो यदा फेस इधर है, हूं इन्हें लेफ्ट टर्न लिता तो लेफ्ट इधर, हूं इन्हें राइट टर्न लिता तो इधर, हूं इन्हें फिर राइट टर्न लिता तो इधर, हूं इन्हें फिर लेफ्ट टर्न लिता तो इधर जा रहे इस तरह, राइट टर्न लिता राइट टर्न लिता राइट टर्न लिता। तो यह दूजा कंसैप्ट हो गया। टर्न्स लेने आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजी चीज होंगी है जी एंगल्स के उत्ते टर्न लेना। एंगल्स दे उत्ते टर्न लेने का की मतलब है, मान लो एक बंदा इधर जा रहा है, मैं कह रहा हूं उन्हें राइट टर्न लिता, या मैं कह रहा हूं उन्हें राइट टर्न 90 डिग्री दे उत्ते लिता, दोनों का मतलब सेम है। मैं कह रहा हूं उन्हें लेफ्ट टर्न लिता या लेफ्ट टर्न 90 डिग्री दे उत्ते लिता, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बट इस तो इलावा होर भी टर्न काफी ने, जिम्मे 45 डिग्री दे उत्ते टर्न लेना, 90 डिग्री के उत्ते लेना, 135 डिग्री के उत्ते लेना, काफी टर्न्स होंगे। ठीक है, हुण मान लो जे आपां इत्थों स्टार्ट होईए इस तरह ही होंगे, चलो जे आपां एवें जा रहे हैं। ठीक है, तो हुण मैं कह रही एक परसन नॉर्थ वाल मूव कर रहा है, हुण उन्हें राइट साइड के उत्ते 45 डिग्री का टर्न लिता, तो राइट साइड के उत्ते 45 डिग्री का टर्न यह होगा जो पूरा ठीक है जी। तो यह चीज समझ आई, 45 90 सारा 135 ते 180, ये चीज समझ आई थोनू? देख लो पक्की गल है, बंदा एवं मूव कर रहा है इधर जा रहा है, जो बंदा इन्ना क मुड़िया कि होया, मतलब मैं ही जा रहा, मेरा दसो कि टाइम है क्लियर है चीज। चलो तो हूं ये की है, थोनू हर तरह का टर्न लेना आ जाएगा जो थो बेसिक एंगल्स पता ने, तो यह थोड़ा बेसिक डायग्राम पता होनी चाहिए। आ वाले बंदा चाहे इथों मूव कर रहा है, चाहे इधरों मूव कर रहा है, चाहे इधरों मूव कर रहा है, चाहे इधरों मूव कर रहा है, जिन्ना मर्जी राइट टर्न ले रहा है, जिन्ना मर्जी लेफ्ट टर्न ले रहा है,
थोड़ा वो एंगल कवर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होया? पक्की गल है। चलो हुण नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं। इस तो बाद जिहड़ा इहदे विच कंसेप्ट आंदा जी वो किहड़ा आंदा है? चलो पहला पाइथागोरस कर लेंदे हां, थोड़ा सिंपल ही है। इहदे विच की हैगा जिवें एक बंदे ने इथों मूव करना शुरू कीता उपर गया, फिर उहने राइट टर्न लिता इथे ही गया तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। इथों ओहदा स्टार्टिंग पॉइंट सीगा। ठीक है, तो इस चैप्टर दे विच एक फॉर्मूला यूज होंदा है, उन कहंदे पाइथागोरस थ्योरम। जदों आपां ने डिस्टेंस फाइंड करना होंदा तां ओहदे विच किहड़ा फॉर्मूला होंदा जी? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तां परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर ते हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर दे सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होंदा, ये चीज पता होनी चाहिए। ए फॉर्मूला डिस्टेंस नो फाइंड करने के लिए इस चैप्टर च आपा यूज कर रहे हैं। तो जिवें बंदा इथों स्टार्ट होया, कुछ उन्हें डिस्टेंस एवें कवर किया, फिर उन्हें डिस्टेंस एवें कवर किया, मान लो ये तीन किया ये चार किया। हुण उन्हें देखो क्वेश्चंस किस किस तरह आ सकते हैं, वो भी चीज थोड़ी देख लेने। ए उनकी डेस्टिनेशन है, ए उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। हुण आ सकता है टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द होल जर्नी या टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन। तो कितना होएगा? 4 + 3 = 7 टोटल डिस्टेंस। जे उन्होंने पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा डायगोनल होता है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का फॉर्मूला लाके इनू एच मान लेंगे तो अपना आंसर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन ही अपन ने फाइंड करना या कौन करना है, अपना सॉल्यूशन ही फाइंड करना, अपन एक कांसेप्ट समझना, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, कांसेप्ट समझ आया। तो कुल मिलाके इस चैप्टर दे विच थोनू इस चीज दी भी रिक्वायरमेंट होएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कांसेप्ट हैगा उन्हें दे विच Yes, वो है ना जी अपना तीन चीजें होंगी ने किड़ी किड़ी होंगी ने सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ते शैडो। ये चीज समझनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है देविच। ठीक है, या थोड़ी कॉम्प्लेक्स कह लो। मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो कि है ही है तो लाइट आ रही है तो सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट तो ऑब्जेक्ट के उत्ते लाइट पेगी ते ओदी जिहड़ा हैगा शैडो बनेगी। आपां ने देखना भी शैडो कित्थे बनेगी। तां जे इधरले पासे सोर्स ऑफ लाइट है ऑब्जेक्ट दे उत्ते पै रही है तां इधरले पासे शैडो होएगी। मतलब हमेशा ऐ होएगा कि जे राइट साइड तो लाइट पै रही है ऑब्जेक्ट दे उत्ते तां ओदे लेफ्ट साइड दे उत्ते शैडो होएगी। जे उपरो लाइट पै रही है उरे ऑब्जेक्ट है तां नीचे दी शैडो होएगी। जे उरे सोर्स ऑफ लाइट है उरे ऑब्जेक्ट है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਰੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਯੈਸ, ਬੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ੈਡੋ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ।
डेस्टिनेशन दी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक की डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट, जे अदर वे पूछा भी स्टार्टिंग पॉइंट दी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन था साउथ वेस्ट, तो इतो कहने का मतलब यह है कि तुसी जिहड़ी लास्ट स्टेटमेंट है जिहड़ा पूछा होया है भी किदी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू की है उस चीज ते फोकस करना है, वो जल्दी जल्दी गलत हो जाता। हुण इह जिहे क्वेश्चन विच ऑप्शन दोनों होंगे, नॉर्थ ईस्ट भी होएगा ते साउथ वेस्ट भी होएगा, तो तुसी जल्दी जल्दी कहोगे भी इधर की डायरेक्शन पूछी हुई सी तो साउथ वेस्ट लाता, साउथ वेस्ट ऑप्शन भी सीगा, तो इससे गलती हो जाती है। ब्लड रिलेशन हो गया, इस तरह दो तीन चैप्टर हो गए जिथे स्टेटमेंट दो बार पढ़ना बहुत जरूरी है कि तुसी किस तरह की गलती ना करो। हुण इहदे विच एक कंसैप्ट होर हैगा कि वह कंडीशन पाएंगे, वह कहेंगे इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ, इफ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ, तो वह कोई भी इस तरह की कंडीशन पा सकते हैं। ठीक है, तो उस केस दे विच की करना होंगे, पहला तुसी नॉर्मल बना लो अपना, जिहड़ियां ओरिजिनल डायरेक्शंस ने उन्हों अलग एक जिहड़ा हैगा साइड ते बचा लो, इत्थे कंडीशंस दे अकॉर्डिंग बना लो। मान लो उन्होंने कहा ईस्ट बिकम्स साउथ, जे कहणगे भी ईस्ट बिकम्स साउथ या फिर इफ ईस्ट बिकम्स साउथ, तो सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, तो इत्थे लिखो जिहड़ियां डायरेक्शंस चेंज हुई, तो जे उरे साउथ है तो इत्थे की होएगा नॉर्थ, नॉर्थ दी क्लॉकवाइज ऑपोजिट वेस्ट, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज हाँ जी हाँ जी बोलो, अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जैसे मान लो एक पता लगी भी साउथ दे रखी है उसने, हाँ जी, तो ऐसे भी चल सकते हैं कि राइट साइड भी चलना है? नहीं नहीं राइट साइड ही चलना है, वो एक ही देंगे। ठीक है, ते उस तो बाद इस क्वेश्चन दे विच की ध्यान रखना भी उन्होंने पूछा की होया भी जेडे डायरेक्शन उन्होंने पूछी हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस या फिर विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब जो चेंज हो गई डायरेक्शन अकॉर्डिंग आंसर चाहिए उन्होंने कि इस अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहेंगे इफ ईस्ट बिकम साउथ, पहले उन्होंने कंडीशन ला दी, फिर उस क्वेश्चन बन गए भी एक बंदे ने वेस्ट वाल मूव करना शुरू किया, फिर उन्हें नॉर्थ वाल गया, फिर एवं गया, फिर एवं गया, हूँ दसो वह किधरली डायरेक्शन जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल डायरेक्शन और अकॉर्डिंग टू द चेंज डायरेक्शन, चीज का थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर है चीज, तो डायरेक्शन सिर्फ इन्ने की कंसैप्ट ने, जे थोड़ा ये सारे कंसैप्ट समझ आ गए तो डायरेक्शन का जेड़े मर्जी पेपर के लिए जेड़े मर्जी लैवल का हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। हुण तुसी की करना है जी, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, तो मैं उम्मीद है कि थोड़े दस चो मिनीम जोड़ा है सात आठ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो थोनू जोड़ा है अबाउट 20 मिनट मिलने, तो यह क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, बाकी जो किसी PDF चाहिए होगी तुम कमेंट्स के मैसेज कर सकते हो या कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यह 10 क्वेश्चन कर लो, इस तो बाद तुम कोई भी क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। फिर जो मैं स्टार्टिंग दे विच कहा सी ओही कहांगा कि बिना मतलब तो 100, 150, 200 क्वेश्चन करने की हर चैप्टर दे विच रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, इवन कि पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किसी भी चैप्टर दे विच रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। तुहानू बहुत ही जिहड़ा हैगा बेसिक जे क्वेश्चन करने होंगे ने, कंसैप्ट सारे चंगी तरह करो, मैक्सीमम टाइम अपना कंसैप्ट दे उत्ते लाओ। तो हुण जे सारे क्वेश्चन तुसी कर लो, ये बाइलिंगुअल हैगे जी, पंजाबी च भी अवेलेबल ने, तो तुसी जे 10 क्वेश्चन कर लो चंगी तरह, उस तो बाद तुम डायरेक्शन दे विच कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।